फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, सगेशियस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है। जो पीसीएस मेन या एचसीएस मेन के जो एनवायरनमेंट इशू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या उनसे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनमें ये डिस्कस किया जाता है कि न्यू टर्म्स जो एग्जिस्टेंस में आ रही हैं किसी भी कारण एनवायरनमेंट से रिलेटेड और एनवायरनमेंट डिस्प्यूट से रिलेटेड, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होने वाली है। तो ग्रीन वॉशिंग हम डिस्कस करेंगे आज के टाइम में। इसकी हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, ये आजकल न्यूज़ में क्यों है और ये एयरलाइंस को लेकर ये न्यूज़ पे हैं और इससे पहले सिमिलर केसेस कौन कौन से आए हैं और कंसर्न्स क्यों हैं, इससे रिलेटेड कंसर्न्स क्यों हैं, वाई जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं या एनवायरमेंट को प्रमोट करने वाले हेल्दी एनवायरमेंट को प्रमोट करने वाले लोग हैं वो इसके बारे में कंसर्न्ड क्यों हैं, ये सब हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं ग्रीन वॉशिंग पहले होती क्या है। ये ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी मतलब फैक्ट्रीज होती हैं, वो एक फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करती हैं या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देती हैं, लोगों को बताती हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, वो एनवायरमेंटली साउंड है, वो एनवायरमेंटली फ्रेंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, वो एनवायरमेंटली साउंड है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन लोगों में स्प्रेड की जाती है ताकि लोग उनकी सर्विसेज को और उसके प्रोडक्ट्स को खरीद सकें। तो ग्रीन वॉशिंग इसी का नाम होता है, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है, ऐसे मतलब अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम किए जाते हैं, फॉल्स क्लेम किए जाते हैं, कंज्यूमर को डिसीव किया जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो, आप हमारी सर्विसेज खरीदो, और उनको बिलीव करने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनको बिलीव करने पर मजबूर किया जाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, वो एनवायरमेंटली फ्री हैं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं, वो एनवायरमेंट के हित में है, और आप अगर हमारे प्रोडक्ट्स की खरीदोगे तो इससे एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ये भी हो सकता है कि शायद वो फॉल्स इंफॉर्मेशन हमें दे रही है और उससे क्या हुआ एनवायरनमेंटल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बट वो हमें धोखा देकर अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस खरीदने पर मजबूर कर रही है। इसमें हम देखते हैं कि ऐसे क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी भी कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जा रही है और वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जो एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाली उसके जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हाइड करके वो हमें क्या बताता है कि हमारा प्रोडक्ट है या हमारी जो सर्विसेज हैं वो सस्टेनेबल हैं, मतलब वो एनवायरनमेंट को सस्टेन करेंगे, उससे एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, ठीक है। बट हाइड वो क्या कर रहा होता है, जो कंपनी का मालिक होता है वो ये हाइड कर रहा होता है कि उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाले होते हैं। अब ये कैसे प्रूव करते हैं, वो जो भी कंपनी के मालिक होते हैं या एयरलाइंस के मालिक होते हैं वो कैसे प्रूव करते हैं इस चीज़ को, वो मिसलीडिंग लेबल्स लगा देते हैं या एनवायरनमेंट इमेजरी क्रिएट कर देते हैं उसमें, देखो हमारा प्रोडक्ट ग्रीन प्रोडक्ट है, हमारा ये लेबल लगा हुआ है, हमारा ये प्रोडक्ट, कई बार आपने देखा हो, कई बार कई बिस्किट पर या कई पदार्थों पर ऐसे लिखा हो, कई पदार्थों पर ऐसे लिखा होता है कि हमारा प्रोडक्ट शुगर फ्री है, चाहे वो शुगर फ्री ना हो, ठीक है। तो वो कैसे ये इसको प्रूव करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पोल्यूशन फ्री है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, वो एनवायरमेंटल इमेजरी उस पर लगा देते हैं, मिसलीडिंग लेबल्स लगा देते हैं उस प्रोडक्ट पर, ठीक है, और ट्रेड ऑफ्स को हाइड कर देते हैं, ठीक है। और ग्रीन वॉशिंग एक टर्म है, ये वाइट वॉश का ही एक अपोजिट रूप है, वाइट वॉश की तरह ही एक सिमिलर है। जैसे क्या कहते हैं, हम किसी को अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन हम लोगों को पहुंचा रहे हैं, फॉल्स कोई और इंटेंशनली कोई अपनी रॉन्ग डूइंग को हाइड करने के लिए कर, तो हम गलत काम रहे हैं, बट हम लोगों को बता रहे हैं कि ये काम सही होने वाला है, हम लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, अपने एरर को छुपा रहे हैं या अपनी अनप्लीजेंट सिचुएशन को हाइड कर रहे हैं और लोगों को ये इसलिए कन्विंस कर रहे हैं कि हमारा जो पदार्थ है या हमारा प्रोडक्ट सर्विस जो भी है वो सही है। और नेचुरल में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट होता है या हमारा जो कोई भी सर्विस होती है वो सही नहीं होती है, वो हम कुछ अपनी रॉन्ग डूइंग को छुपाने के लिए लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको जो ग्रीन वॉशिंग है इसको ग्रीन शीन भी कहा जाता है। ग्रीन शीन कैसे कहा जाता है कि इसमें क्या किया जाता है कि लोगों को, अगर हम लोगों को कहेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, तो लोग क्या है, लोग कई लोग नेचर से प्यार करते हैं, वो सोचेंगे क्यों ना हम ऐसा ही पदार्थ खरीदें जो नेचर के लिए फ्रेंडली हो और एनवायरमेंटली साउंड हो, नेचर को उससे नुकसान ना पहुंचे। तो ऐसी चीज़ें अपने पदार्थों पर लिख के अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए
जो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं वो लोगों की इस डिमांड को पूरा करने के लिए वो मिसगाइड लोगों को करते हैं और अपने पदार्थों को अपनी सर्विसेज को बेचते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों को जो लगता है कि हम जो पदार्थ खरीदने जा रहे हैं वो नेचुरल है, वो हेल्थ के लिए भी ठीक है, उसमें केमिकल भी नहीं मिले हुए हैं और वो रिसाइकलेबल भी है, वो लेस वेस्टफुल भी है, ठीक है, ये सब सोचते हुए जो एनवायरनमेंट से प्यार करने वाले लोग होते हैं उनको खरीद लेते हैं। बट ऑन द अदर हैंड होता क्या है, ये ग्रीन वॉशिंग हो रही होती है। इसके तहत क्या होता है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा होता है कि जो हमारे पदार्थ हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, बट एक्चुअल में रियलिटी में वो होते नहीं है। हम देखेंगे ये जो टर्म थी ग्रीन वॉशिंग, ये 1960 में आई थी, ठीक है ना, जब एक होटल इंडस्ट्री ने क्या किया था, उन्होंने ग्रीन वॉशिंग का एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने होटल रूम्स में अपने गेस्ट को कह दिया कि जो अपने जो तुम्हारे टॉवल्स हैं जो आप यूज़ करते हो उसको आप दोबारा रीयूज करो दोबारा से उसको यूज़ करो ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ कि होटल इंडस्ट्री को बहुत ही बेनिफिट हुआ, क्योंकि होटल इंडस्ट्री को लोअर लॉन्ड्री कॉस्ट पड़ी। देखो टॉवल धोने वगैरह के लिए करने के लिए तो लॉन्ड्री कॉस्ट तो पड़ती होती है, या नए टॉवल लाने के लिए कॉस्ट पड़ती होती है, तो इससे होटल को फायदा हुआ। बट इसमें होटल ये नहीं सोच रहा है कि टॉवल को दोबारा यूज़ करने से एनवायरनमेंट पे में भी शायद ना पड़े असर, पर लोगों की बॉडी पर, लोगों पर तो असर पड़ता है दोबारा रीयूज़ करने से पुराना टॉवल। तो इससे पता चलता है कि इस तरह से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक होते हैं वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो कहते हैं हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, बट ऐसा हो नहीं रहा होता है, ठीक है। वो हेल्थ के लिए हमारे किसी भी तरह, हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए किसी भी तरह हमारे लिए हानिकारक हो सकती है कोई भी चीज़, उनकी सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है इस टाइम। इसमें ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूके की एक एड रेगुलेटर कंपनी है, उसने एयर फ्रांस की जो एड चल रही थी, या लुफ्थांसा की जो एड, लुफ्थांसा जर्मनी की एक कंपनी है, ठीक है, एयर फ्रांस फ्रांस की होगी, और एतिहाद जो एयरलाइन है ये इसकी है, अपने ये यूए की है, ठीक है। तो इनको कहा गया है कि हम आपके एडवर्टाइजमेंट को बैन करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के साथ ग्रीन वॉशिंग का कंसेप्ट लोगों को अप्लाई करके लोगों को मिसलीड कर रहे हो कि आपकी जो एयरलाइंस की जो सर्विसेज हैं वो उनका एनवायरनमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका वो जो आपकी सर्विसेज हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, आपका जो एयर ट्रैवल है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो आप ऐसे लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इन एयर फ्रांस और लुफ्थांसा और एतिहाद की जो एड चल रही है, यूके के एड रेगुलेटर ने इन पर बैन लगा दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऐसा एयरलाइंस की ऐसी फॉल्स एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा है। इससे पहले भी कई एयरलाइंस हैं जिन पे ग्रीन वॉशिंग के एक्विजिशंस लग चुके हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि रिसेंटली के एक डच एयरलाइंस थी KLM, ये नीदरलैंड की एयरलाइन है KLM, उस पे भी एक केस चला था, ठीक है, जब उसने कोई गलत ऐड कर रखी थी कि जो हमारी जो एयर ट्रैवल है हमारा जो हमारी जो अगर आप हमारी एयर ट्रैवल में ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे क्या है, आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली एयर ट्रैवल मिलेगा। बट जब इस पे एक कोर्ट केस चला एम्स्टरडेम में, नीदरलैंड में, वहाँ पे एक ट्रायल चला इस पे, तो ये पाया गया कि जो KLM की एयर ट्रैवल सर्विसेज हैं वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, वो लोगों को ग्रीन वॉशिंग के कंसेप्ट से मिसलीड कर रहे थे, ठीक है। तो फिर इससे KLM ने क्या रखा हुआ था अपनी एडवर्टीजमेंट कंपेन में, KLM ने लिखा हुआ था फ्लाई रिस्पॉन्सिबली का मतलब ये होता है कि आप जो ट्रैवल कर रहे हो, आप जो हमारी सर्विसेज ले रहे हो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और वो एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो आप जो अगर हमारे KLM की एयर सर्विसेज में ट्रैवल करते हो, ठीक है। इसके बाद जो एनवायरनमेंटलिस्ट थे, जो इसको एनवायरनमेंट को प्यार करने वाले लोगों ने, उन्होंने KLM पे कोर्ट केस किया और ये साबित किया वहाँ पे कि जो इनकी जो एयर ट्रैवल सर्विसेज है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इससे इसको पेनल्टी का सामना करना पड़ा KLM, ये नीदरलैंड की एक एयर ट्रैवल एजेंसी है। फिर इससे रिलेटेड हम सिमिलर केसेस देखेंगे, जैसे जुलाई 2023 में ब्रिटेन की एक एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, इसने क्या किया कि एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और एतिहाद की गूगल ऐड चल रही थी। गूगल एड्स में भी वही किया जा रहा था जो हमने आपको पहले बताया कि जो एयर फ्रांस कह रही थी, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं जो एयर फ्रांस कह रही थी कि जो इनकी
एयरलाइन क्या है जहाँ जो इनकी एयर एयर सर्विसेज हैं वो कमिटेड है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और ऐड ये भी अर्ज कर रही थी हॉलीडे मेकर को, जो लोग छुट्टियों पे जाते हैं, कि अगर आप हमारे यहाँ पे आओगे, हमारी एयरलाइंस के साथ ट्रैवल करोगे तो आप बेटर ट्रैवल का फ़ायदा उठा सकते हो और एनवायरनमेंटल सस्टेनेबल ट्रैवल का फ़ायदा उठा सकते हो। ये एयर फ्रांस की एयरलाइन का कहना था गूगल एड्स में जो इनकी ऐड चल रही थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो लुफ्तांसा, जो जर्मनी की कंपनी है लुफ्तांसा, ये भी एयर ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, इसने क्या कहा था कि जो हमारे यहाँ पे आएंगे कस्टमर, जो हमारी एयर ट्रैवल एजेंसी, जो हमारे यहाँ पे एयर ट्रैवल करेंगे वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एयर ट्रैवल करेंगे। और एतिहाद ने भी यह कहा रखा था कि हम यहाँ लोगों को पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि देखो हम के एनवायरनमेंट के प्रति हम कितने जिम्मेवार हैं, हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं, तो ये सब कह रहा था। इसके बाद क्या हुआ, जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी थी यूके की, उन्होंने इनके क्लेम को जब ट्रायल किया, पता करने की कोशिश की, तो उनको लगा कि जिस तरह की ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, जिस तरह की ये एनवायरमेंटल क्लेम्स करा रहे हैं उनके अपोजिट है बिल्कुल। तो उन्होंने इन पे भी बैन लगाया कि इनको भी वो उनको स्यू करने जा रही है, एयर फ्रांस को, लुफ्तांसा को और एतिहाद को। तो ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, ग्रीन वॉशिंग का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, और ये अपने आने वाले जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, जो एनवायरमेंट से डिस्प्यूट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होती हैं उनमें ये आती है। अब हम आपके साथ एक यहाँ पे प्रश्न डिस्कस करना चाहेंगे, जो इंडिया में एनवायरनमेंट डिस्प्यूट को रिसॉल्व करने के लिए जो एक एजेंसी है या जो अथॉरिटी है उसका क्या नाम है, प्लीज़ ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।